हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। वीडियो में हम बात करेंगे मेकॉन लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेकॉन लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। इसके द्वारा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट है निकाली गई है। रिक्रूटमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाली गई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर भी हम लगातार अपडेट आप तक पहुँचाते रहूँ। तो दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो मेकॉन लिमिटेड की ओर से जारी किया गया है। पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रांची की ओर से एडवर्टाइजमेंट है निकाला गया है। रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ऑल फुल टाइम फिक्स टेन्योर बेसिस ये रिक्रूटमेंट है निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है वो मांगा गया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के, लेकिन अभी जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो रिलीज नहीं की गई है। जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसका लिंक वो देखने को मिल जाएगा, तो आप आराम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट का रेगुलर विजिट करते रहे, जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक अवेलेबल होता है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mecon.co.in के ऊपर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पोस्ट कोड दिया हुआ है, फिर नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या है वो, फिर पोस्ट क्वाल एक्सपीरियंस कितना होना जरूरी है, कौन सी फील्ड में आपको होना जरूरी है, फिर एज आपको दे रखी है मैक्सिमम एज यहाँ पे दी हुई है, रिमुनरेशन आपको इसमें क्या मिलने वाला है मंथली वो यहाँ पे दिया हुआ, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे दिया, वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादातर जो वैकेंसीज है वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से संबंधित है। बी बीटेक वालों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी, इसके अलावा जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन या एमबीए की क्वालिफिकेशन है या जिन कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग में यहाँ पे मास्टर की डिग्री है तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है निकाली गई। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो यहाँ पे 2 से 5 साल तक का रखा गया है। पोस्ट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रखा गया है, एक ही पोस्ट की यहाँ पे कई वैकेंसी है निकाली गई। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है, डिप्टी इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई, इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी, जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे कई पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई है। तो यहाँ पे वैकेंसी देखो तो बहुत सारी वैकेंसीज है निकाली गई, वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी है ये निकाली गई, सभी के लिए पोस्ट नंबर भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और जो सैलरी है वो भी आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 167 पदों के लिए ये वैकेंसी है निकाली गई, यानी 167 प्रकार की वैकेंसी है उनके लिए ये यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे एक्सपीरियंस है सभी प्रकार की रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल्स है वो दे रखी है, कौन कौन सी आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन कौन सी ब्रांच आपको शामिल की गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में कौन सी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन सी यहाँ पे शामिल की गई है। यहाँ पे कैंडिडेट के पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे कैंडिडेट देख सकते हो, रेगुलर या फुल टाइम कोर्स यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे आपके एमबीए पीजीडीएम वो आपके पास है तो उसकी यहाँ पे उसका जो प्रूफ है कैंडिडेट को स्पेशलाइजेशन का वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पेश करना जरूरी, एक्सपीरियंस है वो रेगुलर सैलरी बेसिस कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है, कैंडिडेट ने कहीं पे रेगुलर बेस पे काम किया है। अब डॉक्यूमेंट एविडेंस फॉर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय लेटेस्ट पे स्लिप या ज्वाइनिंग लेटर ऑफर लेटर वगैरह है तो कैंडिडेट को वो भी अपना अटैच करना है जरूरी। अपर एज लिमिट यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको दे रखी है, उसमें एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे 10 साल की छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। एससी एसटी ओबीसी के जो कैंडिडेट उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹500 रखी गई है। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विस पेन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी है नहीं रखी गई है। ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है इस रिक्रूटमेंट पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर है वो किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू है उसकी जानकारी कैंडिडेट्स को कॉल लेटर्स में देखने को मिल जाएगी और इसी के आधार पर कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। यहाँ पे रिम्यूनरेशन की बात करें तो रिम्यूनरेशन मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या रिम्यूनरेशन आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो एचआरए पीएफ जीपीए की सुविधा है वो भी है, मेडिकल फैसिलिटीज है वो आपको दी जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो जहाँ जहाँ कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ वहाँ कैंडिडेट है उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एंगेजमेंट है 2 से 3 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई तो कैंडिडेट है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाके और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे रखी है, रिसेंट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, उसके साइज क्या होने जरूरी है, फॉर्मेट क्या रहेगा, उसके बाद सिग्नेचर है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अटैच करने है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने है उसकी सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। इंडियन नेशनल से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जो कैंडिडेट अभी किसी सेंट्रल सेमी स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या ऑटोनोमस बॉडी में काम करें उन कैंडिडेट्स को है वो कैंडिडेट है उनको अपना एनओसी सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। उसके बाद में नीचे आपको अदर इंस्ट्रक्शंस है जो दे रखे हैं, जो कैंडिडेट इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड आउट है वो कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से डाउनलोड करके आप इसको केयरफुली रीड आउट कर ले। और जिन कैंडिडेट के पास में रिलेवेंट फील्ड में डिग्री या डिग्री की क्वालिफिकेशन है प्लस में जो एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो चालू नहीं हुआ है, जल्दी वो स्टार्ट हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।